सर्दियों में गरम गरम परांठे खाने का मज़ा ही कुछ और है, तो आज सोचा क्यों ना मूली के परांठे बनाए जाए। तो मैंने एक मूली ली है धो करके, उसे पील कर लिया है, उसे ग्रेट कर रही हूँ अब मैं। मूली को ग्रेट करके आप एक बाउल में निकाल लीजिए। तो सबसे पहले जो चीज़ हम रहेगी कि मूली से जो एक्सेस पानी है हमें वो निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मूली में थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करके उसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि मूली अपना सारा पानी छोड़ दे, और इस पानी को हम मूली में से निकाल देंगे क्योंकि पराठे जो है वो फट जाते हैं अगर हम मूली को ऐसे ही ऐड करें तो। एक कपड़ा लेंगे, कपड़े में मूली भर के उसे दबा दबा के सारा पानी जो है हम निकाल लेंगे। हाथों से करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये बहुत ही अच्छी एक ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हैं। कपड़े की मदद से आप जो है बहुत सारा पानी मूली के अंदर से वो बाहर निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं एक मूली से इतना सारा पानी निकला है बाहर। अब हम इस मूली को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे। मसालों में सबसे पहले जो चीज़ जाएगी वो है अजवाइन। अजवाइन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मसाले में कुछ ज़्यादा ऐड करने वाली नहीं हूँ, बहुत सिंपल मसाले हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। लाल मिर्च रंग वाली है तो उससे मिर्ची नहीं है इसमें। बाकी मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड नहीं की है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं क्योंकि मैं ये परांठा अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे भुनी हुई जो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद कसूरी मेथी से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है मूली का, बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है ये मूली को ना। परांठों में कसूरी मेथी आप चाहे आलू के हों, गोभी के हों, किसी में भी ऐड कीजिए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट परांठे बनते हैं। अब हम इसमें जो है धनिया ऐड करेंगे, फ्रेशली चॉप्ड धनिया। और उसे चॉप करने के लिए मैंने सीजर का इस्तेमाल किया, आप देख सकते हैं आसान लगता है मुझे, वरना मुझे बहुत लेजीनेस फील होती है धनिया काटने में। अब इन सब मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। इसमें ऑलरेडी नमक है तो मुझे और नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब हम क्या करेंगे, आटे की लोई लेंगे, उसे अच्छे तरीके से पहले हाथ से बेलेंगे, फिर उसके बाद बेलन की हेल्प से बेल लेंगे अच्छे से। जब थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी रोटी तो इसमें थोड़ा ऑयल लगाएंगे और फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे क्योंकि मेरे आटे में नमक नहीं था। इसमें हम जो है मटेरियल डाल देंगे मूली वाली, फिर इसे हाथ की हेल्प से चारों तरफ से अच्छे तरह गोल गोल कर लेंगे। फिर ऐसे हम सूखे आटे की हेल्प से जो है गोल बना लेंगे। उसके बाद हम इसे गर्म तवे पर डालेंगे, एक बार पलटेंगे। अब बीच बीच में चेक करेंगे जो दूसरी साइड है वो अच्छे से ब्राउन हो जाए, अभी नहीं हुई है, दोबारा देखेंगे। जब वो अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तो अब इसमें हम तेल ऐड कर देंगे। जब एक साइड पक जाएगी तो दूसरी साइड को पकाएंगे। और गरम गरम परांठों को अगर आप घर के बटर के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। तो एंजॉय करिए मूली का परांठा।